तो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमएससीईटी 2024 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये चीजें लोगों को बहुत देर बाद पता चलती है और जिसकी वजह से बच्चों का बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी का, वो है आपके एचएससी बोर्ड के परसेंटेज। अब एचएससी बोर्ड के परसेंटेज देखो, अगर हम देखें तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स के 600 मार्क्स होते हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट रहता है वो हमारे पीसीएम के मार्क्स होते हैं। अगर आपका ग्रुप इन पीसीएम मींस आपका अगर मैक्स ग्रुप है तो उसके वजह से आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा, और अगर आपका पीसीबी ग्रुप है तो आप फार्मेसी या एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सो अगर हम बात करें पीसीएम का तो 300 मार्क्स का पूरा ये सब्जेक्ट हो जाता है, और अगर आप ओपन कैटेगरी के या जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको 300 आउट ऑफ पीसीएम में, क्योंकि आपका ग्रुप क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। ग्रुप क्वालिफाई होगा तो ही आप इंजीनियरिंग या फार्मेसी के इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सो आपका जो ओपन कैटेगरी के मार्क्स है वो आपको कम से कम 135 मार्क्स चाहिए, मतलब आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में तीनों सब्जेक्ट के अंदर 45 45 45, इसके अबाव या इतने मार्क्स चाहिए रहेगा कंपल्सरी। That means, अगर आप 135 300 आउट ऑफ बोले तो 45% आपका प्लस होना चाहिए, तब जाके आप ग्रुप क्वालिफाई करेंगे और इसी से ही आपको इंजीनियरिंग के अंदर या फार्मेसी या एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन मिलेगा। सो ये बात बहुत जरूरी है ध्यान में रखना कि आपका जो ग्रुप है वो क्वालिफाई होना चाहिए विथ 135 मार्क्स अगर आप ओपन कैटेगरी में है तो, ठीक है। उसके बाद एक डाउट रहता है बच्चों का ज्यादातर कि ओवरऑल परसेंटेज है उनका 55% बोर्ड के अंदर, मतलब उनकी इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आईटी जो भी सब्जेक्ट्स थे वो सब मिलाकर उनका 55% बन गया है, लेकिन उनका जो ग्रुप है पीसीएम है उनका जो परसेंटेज है वो 45 नहीं बन पा रहा है, 45 से कम है। तो 45 से कम है तो उसकी वजह से आप ग्रुप क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको पीसीएम में ही 45% के ऊपर लाना पड़ेगा। 45 ओवरऑल आने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता, इसलिए ये डाउट जो है वो दिमाग से निकाल दो एंड क्वालिफाई दैट 135 मार्क्स आपका ओपन कैटेगरी में बन रहा है। अगर आप कास्ट या ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस क्या रहता है तो ओपन कैटेगरी के ही अंदर कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं उनके लिए ये रहता है, या फिर अगर आप कास्ट कैटेगरी में हैं तो आपका 40% दैट मींस आपके 120 मार्क्स होने चाहिए ग्रुप के अंदर, दैट मींस पीसीएम या पीसीबी के अंदर, तब जाके आपका ग्रुप क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। सो ये बात ध्यान में रखना कि बोर्ड के परसेंटेज के ऊपर बहुत कुछ मैटर करता है, और आपका इतना परसेंट कास्ट में है तो और क्या ओपन में है तो इतना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कंपटीशन से रिलेटेड। 85% जो एडमिशन होते हैं महाराष्ट्र के अंदर वो जो बच्चे एमएससीईटी दे रहे हैं और यहीं से, मतलब इंटेक जो होता है वो इधर के ही बच्चों का इंटेक, 85% इंटेक यहीं के बच्चों का होता है, लेकिन 15% इंटेक ये बाहर के स्टेट के बच्चे महाराष्ट्र में जो एडमिशन ले रहे उनका हो रहा होता है। अब वो 15% की वजह से होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम एमएससीईटी के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, इसकी वजह से आपका जो अभी इस साल का अगर आप सिनेरियो देखोगे तो 96% पे भी पुणे के टॉप 20 कॉलेजेस भी बच्चों को बहुत मुश्किल से मिल रहे थे, क्योंकि बाहर का कंपटीशन इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से रैंक बढ़ जाती है, परसेंटाइल बढ़ जाता है। सो इन सब की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कोशिश करो कि आपकी परसेंटाइल हाईएस्ट रहे और ये बच्चों की वजह से आपको कोई फर्क ना पड़े, समझ में आ रहा है। सो ये एक बात है जिसमें आपको ध्यान में रखना, ये एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है पर कॉम्पिटिशन का पार्ट है सीईटी के, सो इस बात को भी पता रहना चाहिए आप लोगों को। अगली बात है डोमेसाइल एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात है, ये बहुत जरूरी है। डोमेसाइल जो है वो आप इधर के हैं, इसका प्रूफ दिखाना पड़ता है कि 15-17 सालों का, ये डॉक्यूमेंट आपका बनकर तैयार करके रखो। द प्रॉब्लम इज कि जैसे ही आप सीईटी देते हो उसके बाद क्या होता है, जब एडमिशन प्रोसेस होना स्टार्ट होता है तब आपसे ये सारे सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं। अब बहुत से बच्चों का एडमिशन मैंने देखा है नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ डोमेसाइल नहीं है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट की वजह से वहां एडमिशन प्रोसेस के समय ये सब मांगा जा रहा है और आप उसको बनाने के लिए उस समय दे रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके इंजीनियरिंग में जिस समय वो डॉक्यूमेंट्स का फाइनल डेट रहता है वो अगर वहां पर नहीं फुलफिल हुआ सो आपको इंजीनियरिंग से कैंसिल कर दिया जाता है। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखना कि आपका डोमेसाइल हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, ये तो बहुत ध्यान से 2 से 3 महीने लगते हैं, 2 से 3 महीने लगते हैं इस
इस EWS सर्टिफिकेट को आने के लिए, और इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आप लास्ट टाइम पे दोगे तो फिर तो इसका आना ही बहुत मुश्किल है, इसलिए प्लीज शुरुआत में इस चीजों पर ध्यान दो जिससे आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और ये सब नहीं होगा तो एलिजिबल होने के बावजूद भी इन परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसके अलावा इस पे आप अगर एलिजिबल नहीं होते हो तो आपको इंजीनियरिंग से या फार्मेसी से एडमिशन कैंसिल करना पड़ सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी है इसको। और एक स्पेशल बोनस मैं बताता हूं, यहां पर बहुत से बच्चे जिनका जो ग्रुप रहता है वो क्वालिफाई नहीं हुआ रहता है। ठीक है, अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो आपको 135 मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सो अगर आपने ओपन कैटेगरी के बच्चे EWS सर्टिफिकेट निकालते हैं तो उनका जो परसेंटेज है वो 40% मतलब 120 मार्क्स पे भी ग्रुप क्वालिफाई हो जाएगा। सो आप EWS सर्टिफिकेट बनाओ जो बच्चों का ग्रुप क्वालिफाई नहीं हुआ रहता है ओपन कैटेगरी के अंदर वो। ठीक है, आई होप सो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।